सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजिकल टॉक और बेल आइकॉन को ऑल पे रखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियरंजन चंडेल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल टॉक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप अपने यूट्यूब चैनल को बेच सकते हैं। अगर बेच सकते हैं तो आप मतलब कितने पैसे में उसे बेच सकते हैं और उसको खरीदेगा कौन, और फिर आपको उसमें वीडियो बनाना पड़ेगा या फिर नहीं बनाना पड़ेगा। इस सारे टॉपिक के बारे में हम पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, हमारे इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको ये सब के बारे में आपको नॉलेज हो। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको बता दूं कि आप अपना यूट्यूब चैनल बेच सकते हैं, और मैं इस वीडियो में आपको पूरा मैं लाइव प्रूफ बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा पूरा लाइव प्रूफ जिसने अपने अपना चैनल बेचा है और मैं ओनर मतलब जिसने ओनर जिसने इस चैनल को खरीदा है आपको मैं उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल्स देता रहूँगा। तो गाइस, अभी हम चलिए अपने दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन किसने किसने मतलब यूट्यूब चैनल को भी किसने किसने मतलब लिया हुआ है और किसने बेचा है। तो हमारा एक मैंने चैनल ढूँढा है, उसका नाम है वाईफाई स्टडी। ये एक एजुकेशनल चैनल है, हाँ, जो मतलब जिसका सब्सक्राइबर्स अभी 1.27 करोड़ है और ये अभी बिका है 70 करोड़ में, मतलब 70 करोड़ में ये अभी बिका हुआ है। आप देख सकते हैं, मतलब ये चैनल अभी देख रहे हैं, अब मतलब अभी मैं आपको बता दूँ, ये चैनल जब बिका तब इसमें 4 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और आप इसे ख़रीदा है हमारे अन अकेडमी। मैं इसको आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, इस तरफ आप प्रूफ देखिए। तो गाइस, ये हमारा पहला चैनल था मतलब जिसको बेचा और इसने इसने इसमें अन अकेडमी ने ये चैनल को ख़रीदा हुआ है। तो गाइस, अभी हम मतलब और एक मैं आपको दिखाऊंगा चैनल के बारे में जिसने ख़रीदा है, मैं और एक आपको चैनल के बारे में दिखाऊँगा। तो वो हम लोग का चैनल है लेट्स क्रैक गेट एन ESE मी, ये एक चैनल है, इसमें सब्सक्राइबर्स अभी 5.08 लाख है, मतलब 5 लाख आप पकड़ के चलिए इसमें सब्सक्राइबर्स अभी है और इसे और ये 1 करोड़ में बिका है, मतलब इस ये चैनल का पूरा दाम अभी आपको 1 करोड़ में इसका सेल हुआ है। तो गाइस, ये हमारे दो चैनल्स थे जो कि मतलब उसके ओनर ने बेचा और इसे अन अकेडमी ने ख़रीदा। तो ये दोनों मतलब एजुकेशनल चैनल्स थे, इसमें दोनों एजुकेशनल चैनल्स थे। सो गाइस, ये दो चैनल हमारे थे। सो गाइस, इसमें और भी चैनल्स हैं, मैं आपको और एक चैनल्स में आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैंने देखा था, इसका नाम है प्री लेडर, ये चैनल है प्री लेडर, मतलब ये स्टडीज़ में मामले बहुत ही अच्छा चैनल है, मतलब स्टडीज़ बोल रहा हूँ सॉरी, ये मतलब हेल्थ के मामले में अच्छे चैनल्स हैं, ये हेल्थ रिलेटेड इसमें वीडियो पोस्ट करते रहते हैं जिसमें 250 इसमें मेम्बर्स हैं जो कि साथ में काम करते हैं। सो गाइस, इसमें अभी सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 1.79 लाख आपको सब्सक्राइबर्स देखने को मिल रहे हैं और जब ये मतलब चैनल यहाँ पर बिका था तो आपको 150K के आसपास यहाँ पर सब्सक्राइबर्स थे। और ये चैनल के मैं आपको बता दूँ, ये चैनल मतलब 376 करोड़ में ये चैनल बिका है, जो कि मतलब हमारे तीनों जो मैं आपको दिखाया चैनल वो तीनों में बहुत ही ज़्यादा हाई है ये चैनल का। सो गाइस, ये इसमें बिका हुआ है और इसे भी सेम अन अकेडमी ने ही ख़रीदा है। सो गाइस, अभी मैं आपको दूसरा का बात बता दूँ कि क्या मतलब खाली हेल्थ स्टडीज रिलेटेड चैनल्स बिक सकते हैं। तो गाइस, ये नहीं, आपका कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक रिलेटेड आपका अगर चैनल है तो बिक सकता है, उसके अच्छे खासे आपको पैसे मिल सकते हैं। मैं आपको दूसरा बात बता दूँ कि अगर वीडियो बेच मतलब चैनल बेचने के बाद मतलब आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब ओनर भले ही मतलब जो जिसने खरीदा ओनर वो रहेगा, लेकिन वीडियो बनाएंगे आप वीडियो बना बना के पोस्ट करेंगे और जो आपको पैसा देगा जिसने खरीदा जो ओनर ने, वो मतलब आपको मंथली सैलरी देगा। जैसे जैसे कि हमारे टीचर्स लोग को मंथली सैलरी मिलता है, किसी के टीचर्स को 25,000 50,000 मिलता है, वैसे यहाँ पर मतलब आपको मंथली सैलरी मिलेगा और अब जितने में मतलब आप अपने चैनल को बेचना चाहते हैं आपको वो प्राइस देगा और आपको मंथली सैलरी भी देगा। सो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कर दिया है ये वीडियो में। सो गाइस, मैं चाहूँगा कि मतलब आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई मतलब चैनल खरीदना चाहता है तो आप अपना चैनल बेचेंगे या नहीं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही।